नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन होंगे नोएल टाटा। गाजियाबाद में महंत यति नरसिंहानंद के शिष्य अनिल यादव छोटा नरसिम्हा नंद गिरफ्तार। अखिलेश के समर्थन में बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, जेपी एनआईसी को ध्वस्त करना चाहती है बीजेपी। जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से क्या है बीजेपी को परेशानी, सपा नेता रामगोपाल यादव का कहना। ईरान तनाव के बीच पुतिन से मिलेंगे ईरानी राष्ट्रपति। सेबी ग्रेड ए चरण 2 के लिए रिजल्ट हुआ जारी। ईस्ट एशिया सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित, ये खास उपलब्धि पाने वाले बने पहले नेता। पीएम मोदी ने यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति लाने का किया आह्वान, कहा ये युग युद्ध का नहीं। भारी बारिश में छाता पकड़े फाल्गुनी पाठक ने किया परफॉर्म, फैंस ने दिया लीजेंड का टैग। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारत लौटे विराट कोहली। गाजा में जमीनी कार्रवाई में 3 इजरायली सैनिकों की हुई मौत। सपा चीफ पर जेडीयू का हमला, राजीव रंजन बोले अखिलेश ने जेपी के मूल्यों को कहां अपनाया। सीएम योगी ने कन्याओं के पांव धोकर मातृशक्ति की आराधना। पीएम मोदी का एशियन सम्मेलन में आज दूसरा दिन, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से की मुलाकात। फिल्मी दुनिया के मशहूर कलाकार अमिताभ बच्चन आज अपना 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। बांग्लादेश का जिक्र कर हिंदुओं से बोले गिरिराज सिंह, बटोगे तो कटोगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को झटका, 4 निर्दलियों के समर्थन से उमर अब्दुल्ला ने खेला कर दिया। अब कभी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी, मायावती ने किया ऐलान। मुंबई में दुर्लभ सांप की स्मगलिंग, खरीदार बनकर पहुंची पुलिस, तस्करों ने मांगे 5 करोड़, काला जादू में इस्तेमाल होता है सांप। रजनीकांत अमिताभ के साथ आने से बॉक्स ऑफिस पर आई बाहर, बेटैया को मिली शानदार शुरुआत। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।